चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद के प्रश्नोत्तर आज मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद का परिचय दे देती हूँ। जयशंकर प्रसाद के बारे में, इनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का इन्होंने अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। संक्षिप्त परिचय के बाद शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे क्षणों की स्मृतियां ही शेष हैं, जिसके सहारे वह अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। उन यादों को उसने अपने अंतर्मन में सजोकर रखा है और वह उन्हें प्रकट करना नहीं चाहता है। कवि को लगता है कि उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और सेवक लोग मानकर आनंदित हों। इन्हीं कारणों से कवि लिखने से बचना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि कहता है कि उसके लिए आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं है। कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि कवि को अभी सुखों के सिवाय और कुछ उपलब्धि नहीं मिली है। कवि का जीवन दुख और अभावों से भर रहा है। कवि को अपने जीवन में जो बाहरी पीड़ा मिली है उसे वह चुपचाप अकेले सहता रहा है। जीवन के इस पड़ाव पर उसके जीवन के सभी दुख और व्यथाएं थक कर सोई हुई हैं, अर्थात बहुत मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने जीवन की उन सभी व्यथाओं को जगाना होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी उसके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। इन्हीं कारणों से वह अपनी आत्मकथा अभी लिखना नहीं चाहता है। प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग की प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए किंचित सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया,